नमस्कार, मैं हूं राजेश पांडे। आप देख रहे हैं श्री नारद मीडिया। ये नारद मीडिया का स्टूडियो है और हमारे साथ जिले के लब्ध ख्याति प्राप्त गुरुजी पंडित रंगनाथ उपाध्याय जी हैं। और आप अब समझ गए होंगे, हम आगामी जो रक्षाबंधन का त्यौहार आने वाला है इसको लेकर चर्चा करने वाले हैं। गुरुजी, इस बार भी रक्षाबंधन को लेकर तरह तरह की बातें समाज में आ रही हैं। क्या है इस बार रक्षाबंधन का मुहूर्त और कैसे मनाया जाएगा? सबसे पहले मैं नारद मीडिया को एवं सनातन संस्कृति न्यास के सभी सदस्यों को अपनी तरफ से तथा नारद मीडिया के दर्शकों को धन्यवाद देना चाहूँगा। साथ साथ नारद मीडिया के एवं सनातन संस्कृति न्यास के सत्प्रयास को भी मैं सराहना करते हुए धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए और उसे अक्षुण करने के लिए और शिवान तथा देश की जनता को और नारद मीडिया के दर्शकों को समय समय पर व्रत पर्व के निर्णय एवं अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के लिए सतत प्रयत्नशील रहता है, इसके लिए मैं आपकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ। देखिए, पिछली बार भी रक्षाबंधन के पर्व पर ऐसा ही कुछ हुआ था और इस बार भी हम देख रहे हैं कि जो रक्षाबंधन की तिथि निर्धारित है उसमें 30 और 31 को लेकर विवाद खड़ा हुआ है, बुध और गुरुवार को लेकर कि किस दिन मनावें, उहापोह की स्थिति है। और तमाम विद्वद्गण को इस पर हम तो यही कहेंगे कि मिल बैठकर एक सही दृष्टिकोण समाज को देनी चाहिए। ये विवाद का विषय नहीं बल्कि धर्म के रक्षण का विषय है और अपनी धर्म संस्कृति से संबंधित है। तो जो लोग इसको मनावें उनको धर्म और पुण्य का लाभ हो, और रक्षा के लिए ये मनाया जाता है कि ये पूरा वर्ष सुखमय बीते, सब लोग रक्षित रहें, सब लोगों का परिवार सुरक्षित रहे, इसके लिए हम रक्षाबंधन का पर्व मनाते हैं। इसकी विशद व्याख्या हमने पूर्व के वर्षों में किया है। एक बात मैं कहना चाहूँगा कि भद्रा में रक्षाबंधन का निषेध है। बुधवार को चतुर्दशी तिथि में भगवान भास्कर का उदय हो रहा है, 30 तारीख को बुधवार को, और 10, 30, 32 में पूर्णिमा हो जा रहा है। पूर्णिमा में भद्रा होता है, पूर्णिमा के आरंभ होते ही भद्रा प्रारंभ हो जाता है। तो शास्त्रों का मत है कि भद्रा में रक्षाबंधन नहीं करना चाहिए, ये पूरा पूरा निषेध है। सभी पंचांग लिख रहे हैं कि भद्रांते रक्षाबंधनम, भद्रा के अंत में रक्षाबंधन करें, इसमें तो किसी को भी बात नहीं। कुछ पंचांग गलत भी लिखे, उन्होंने भद्रा में ही रक्षाबंधन का निर्देश दिया है, जो निंदनीय विषय है। लोगों को जब यह जानकारी है कि भद्रा में नहीं करना है तो नहीं करना है। तो भद्रा 10:32 से आरंभ जो हो रहा है, यह 9:44 तक लगभग भद्रा रह रहा है, रात में 45 तक, यानी कि 30 तारीख को भद्रा जो सुबह 10:45 रात्रि तक, 10 बजे से प्रारंभ हो रहा है, वो पौने रात 9 बजे रात तक रह रहा है। ऐसे भी शास्त्रीय बात को आप हटाएं, एक तरफ करें,
व्यवहारिक पक्ष आप देखें कि सभी बहनें बिना कुछ खाए पिए और भाई भी यह प्रयास करते हैं कि बिना कुछ खाए पिए हम रक्षाबंधन का उत्सव मनाएं, पर्व मनाएं, रक्षाबंधन करें, पूजन करें। तो रक्षाबंधन के दिन भगवान का पूजन करके, भगवान को रक्षा अर्पित करके और उसे राजा महाराजा वैश्य और यजमानों को ब्राह्मण बांधते हैं, बहने बांधती हैं और पुण्यार्जन के लिए और रक्षा के लिए इसको किया जाता है। 9 बजे रात्रि तक बिना अन्न पानी के कौन रह सकता है? एकदम यह व्यवहारिक बात नहीं है कि 9 बजे रात्रि के बाद हम रक्षाबंधन के पर्व को मनावें। एक दूसरा चीज कि भद्रा जो होता है वह नक्षत्र ऐसा होता है, भद्रा जो होता है तो आप देखेंगे कि मेख मकर वृक्ष कर्कट स्वर्गे कन्या मिथुन तुलाधन नागे कुंभ मीन अलिकेसर मरते विचरति भद्रा त्रिभुवन मध्य। त्रिभुवन में भद्रा का विचरण जो होता है वह राशियों के आधार पर इसी तरह उसको वर्गीकृत किया गया है कि मेख मकर वृक्ष कर्कट स्वर्गे कन्या मिथुन तुलाधनु नागे कुंभ मीन अलिकेसर मरते विचरति भद्रा त्रिभुवन मध्य। तो ऐसे भद्रा विचरण करता है, इसका फल क्या है? अतः स्वर्गे भद्रा शुभम कार्यम पाताले च धनागमम मृत्यु लोके जदा भद्रा सर्व कार्यम विनश्यति। अगर मृतलोक का भद्रा है तो वो सारे कार्यों का नाश करता है। इस बार मीन का भद्रा है तो कहता है कि कुंभ मीन अलि केसर मरते विचरति भद्रा त्रिभुवन मध्य। तो जब मीन का भद्रा है तो यह मृतलोक में है, मृतलोक के भद्रा में कहता है कि मृतलोक के जदा भद्रा सर्व कार्यम विनश्यति, तो उसमें सारे कार्यों का अगर नाश होता है तो आप भद्रा काल में किसी तरह से आप नहीं कर सकते इस कार्य को, रक्षाबंधन या अन्य किसी भी कार्य को आप नहीं करेंगे। एक दूसरी बात कि प्रातः काल 5:34 पर 31 तारीख को सूर्योदय हो रहा है। 5:34 से 7:45 तक अगर पूर्णिमा है तो लगभग 2.25 घंटे का समय आपको मिल रहा है। प्रातः काल आप स्नान करके अगर उठते हैं, समय से स्नान करके रक्षाबंधन करते हैं तो 7:45 तक का समय एनफ है, बहुत बहुत है। 2 घंटे में आप खूब आराम से रक्षाबंधन कर लेंगे, उसके बाद खाएं पिए अपना उत्सव मनाएं। ये रक्षाबंधन का शुभ समय है और उदय भी पूर्णिमा में हो रहा है। सूर्य का उदय पूर्णिमा में हो रहा है। इसके अलावा ग्रंथ कहता है कि या तिथि समनुप्राप्य उदयम जाति भास्कर सा तिथि सकलाज्ञया दाना अध्ययन कर्मसु। भास्कर का उदय कहते हैं कि जिस तिथि में होगा वही समस्त माना जाएगा। इस हिसाब से आप पूरे समय आप रक्षाबंधन कर सकते हैं इस निर्णय के हिसाब से। लेकिन अगर पूर्णिमा में करना है तो आप 5:34 से लेकर 7:45 तक खूब बढ़िया से आप रक्षाबंधन करें और अपने उत्सव पर्व को मनाएं। इसलिए यह निर्णित है कि 31 तारीख को ही
रक्षाबंधन मनाया जाए, यही शास्त्र सम्मत है, यही उचित है और व्यवहारिक भी है। यानी कि 30 तारीख को लेके जो इतना फैलाया जा रहा है, ये 30 तारीख को रात में या दोपहर के बाद इस तरह का कोई कुछ नहीं वहाँ जगह नहीं है। मैं तो सब बताया, इसमें संशय की बात नहीं है, बैठ के बात कर रहे हैं। और 31 तारीख को सुबह में 5:34 से लेकर 7:45 तक पूर्णिमा है इस काल में। आप उसके बाद भी अगर कोई आप बनाते हैं तो वो कहता है कि या तिथि समनु प्राप्ति उदयम जाति भास्कर, 7 तिथि सकला गया दाना अध्ययन कर्म सु, इसमें संशय का है। गुरुजी सबसे गुरुजी ये जो इस वर्ष मलमास जो बोला जाता है, लेकिन ये पुरुषोत्तम मास है और इस मास में दो दो पूर्णिमा आया है, इस वजह से इस बार जो रक्षाबंधन की तिथि है वो आगे थोड़ी चली गई है। तो रक्षाबंधन जो इस बार है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो जो पुरुषोत्तम मास में रक्षाबंधन की जो तिथि है वो अन्य पुरुषोत्तम मास का इस बार रक्षाबंधन जो है अन्य वर्षों से विशेष है, कैसे? देखिए अन्य वर्षों से विशेष इसको इसलिए कहेंगे कि इस साल श्रावण में पुरुषोत्तम मास लगा हुआ है और पुरुषोत्तम काल में ये भगवान विष्णु का बहुत पावन मास है और इसमें बहुत तरह की जुगुप्साएँ की जाती हैं धर्म के लिए और इसमें धर्म के संग्रहण की व्यवस्था बहुत है। उस विषय पर आप चर्चा करेंगे तो उसके लिए ऐसे ऐसे दृष्टिकोण हैं कि ये श्रावण मास कभी कभी मिलता है पुरुषोत्तम मास को। अब देखिए जीवन में अगर कष्ट होते हैं ना, ये विषय से अलग है, इतर है, तो अगर जीवन में कष्ट होते हैं किसी को तो उसके पुण्य के क्षय होने से होते हैं। जब पुण्य का क्षय हो जाता है मनुष्य का तो आप कुछ पुण्य भी करते हैं तो थोड़ा सा आराम मिलता है, लेकिन पुनः कष्ट शुरू हो जाता है। और पुण्य का जब बाढ़ होगा, आपके पास पुण्य का अक्षय भंडार होगा, तो आपको कष्ट के दिन कभी देखने नहीं पड़ेंगे और इहलोक और परलोक दोनों सुखमय बीतेगा। तो श्रावण मास में और पुरुषोत्तम मास हो गया तो इसमें वैसे पुण्य के संग्रहण का साधारण बहुत सा उपाय है जिससे आप पुण्य को संग्रहित करके और अपने परिवार को सुखमय करते हुए अपना जीवन सुंदर व्यतीत करते हैं। अब एक छोटा सा जनमानस के लिए मैं नारद मीडिया के सत्प्रयास को देखते हुए और इन लोगों की मनोभावना को समझते हुए मैं एक छोटी सी बात किसी संत की कही हुई मैं दोहरा देता हूं, जो आपके नजर में भी चली जाए, आपका कल्याण हो। भगवान विष्णु के समक्ष भगवान विष्णु के प्रत्यर्थ सूखी तुलसी की लकड़ी 3-4 अंगुल की आप ले लें और वेद लक्षणा गऊ के घी में उसको डुबो दें, देसी गऊ के घी में, किसी तरह से दूसरे गऊ के घी में नहीं, जिसको आप जानते हैं कि हाँ यह देसी गऊ का घी है। और सायंकाल आप भगवान विष्णु के समक्ष अगर जलाते हैं, दीपक प्रज्वलित करते हैं, आप आपके परिवार के लोग उसको जलाने के लिए कर्पूर वगैरह भीमसेनी कपूर उसमें थोड़ा सा लगा सकते हैं कि आराम से जले। अगर भगवान को अर्पित करते हैं तो जन्म जन्म की दरिद्रता इससे मिट जाती है। सारे तीर्थ, हजारों सूर्य ग्रहण, सारे पुराणों और वेदों का पारायण करने से जो फल होता है वह एक दीपक पुरुषोत्तम मास में जलाने से वैसा पुण्य, हजारों तीर्थों नदियों में स्नान करने का जो फल होता है वह एक दीपक जलाने से आपको मिल जाता है। उसके 16वीं कला की बराबरी भी कोई नहीं कर सकता है। पुरुषोत्तम मास दीपदानम
पुरुषोत्तम मात्सस्य दीपदानम, तो कहता है कि कलाम नारहंत खोड़सिन, उसकी 16वीं कला के बराबर कोई पुण्य नहीं है। तो ये छोटी सी 2 मिनट का काम है, अगर भगवान विष्णु के समक्ष आप दीपक जला के अपनी कामना कहते हैं। बंध्या स्त्री अगर सविधि जलाती है तो उसको संतान की प्राप्ति होगी, कन्याएं अगर इस काम को करती हैं तो विवाह आदि उसके संपन्न होंगे, दरिद्रता महादरिद्रता है वो भी इससे नाश होगा और पुण्य का अर्जन होगा और आप सुखी होंगे। इस चैनल के माध्यम से मैं, पुरुषोत्तम मास चल रहा है इसलिए विषयगत बात थी, तो मैं इसको आपके कल्याण के लिए मैं कहा, और साथ ही सारे दर्शकों को और नारद मीडिया को, सनातन संस्कृति न्यास को मैं अपनी तरफ से साधुवाद धन्यवाद देते हुए रक्षाबंधन की शुभकामनाएं देता हूं, हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, और सभी छोटों को अपने से श्रेष्ठ जनों को प्रणाम और छोटों को आशीर्वाद देते हुए मैं अपने वाणी को विराम दे रहा हूं। धन्यवाद। जैसा गुरु जी ने बताया, अपने समाज में रक्षाबंधन का बड़ा महत्व है। ये सावन मास है, 15 अगस्त भी सावन मास को ही आ रहा है, और हमारा देश जब आज़ाद हुआ था तो उस समय सावन मास था। देश की आज़ादी की लड़ाई में भी ये रक्षाबंधन सावन मास का बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है। बाल गंगाधर तिलक भी रक्षाबंधन, लोगों को रक्षा बांध के और देश की लड़ाई के लिए उन्होंने प्रेरित किया था। और जब बंग भंग हुआ था, बंगाल 2 हिस्सों में बटा था, तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने भी ये रक्षाबंधन बांध के लोगों को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया था। तो हमारी जो आज की व्यवस्था है, इसमें भी रक्षाबंधन का बड़ा महत्व है। बहनें माताएं अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांध कर उनके जीवन की कामना करती हैं, और ये त्यौहार हमारे यहाँ बड़े ही परम पवित्र तरीके से मनाया जाता है। गुरु जी ने जैसे बताया, किसी भ्रम में पड़ने की जरूरत नहीं है। 31 तारीख को सूर्योदय से रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाएगा, और उस दिन बृहस्पतिवार का दिन है, 31 तारीख, और ये रक्षाबंधन का त्यौहार पूरे समाज को सुखद रूप से अपनी पवित्रता प्रदान करेगा। गुरु जी, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका आभार। हाँ, सबको धन्यवाद, आभार।